हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4/2015 वाला जो मामला है उसका आज एक महत्वपूर्ण जो है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। और जिस तरह से आप आज के प्रभात खबर में देखे होंगे कि जितेंद्र कुमार का केस जो है वो आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और स्टे पर जो है वो बहस होगा। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, सिपाली बहाई बैकलॉग सीटों पर स्टे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज। और बैकलॉग की जो सीटें हैं वो पूर्ण रूप से अभी आपके सामने इस न्यू वैकेंसी में नहीं देखने को मिला है, लेकिन बैकलॉग की सीट जो है एक काफ़ी बड़ी संख्या है और 2500 के आसपास जो है बैकलॉग में सीटें हैं, जबकि 1100 सीट जो है अभी तक निकल कर आया है। और इन्हीं पर जो है स्टे लगाने की बात यहाँ पे विज्ञापन संख्या 4/2015 वाले छात्रों के द्वारा करा जा रहा है। इसमें दो तरह के बात यहाँ पे आ रहे होंगे कि नए छात्र जो है वो परेशान ना हो, वो इसीलिए क्योंकि बैकलॉग की सीट पर जो है वो स्टे लगाने की बात छात्रों के द्वारा करी गई है और इससे आपको रेगुलर की वैकेंसी में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात तो जेएसएससी जो है इसके लिए और भी कुछ रास्ता अपनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आज के डेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के की ओर से जो है आपको देखने को मिलता है। और संभावना ये भी है कि इससे लगने की प्रबल संभावना आपको आने वाले टाइम में देखने को अवश्य मिलेगा। बाकी 6 तरह के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सभी जो है लगभग एक ही मुद्दा पर बात यहाँ पर किया गया है। सेकेंड लिस्ट समय की सूची में बोलूँ या क्षेत्रीय आरक्षण के तहत पर महिला सीट जो है उसको पुरुष अभ्यर्थियों से भरने की बात यहाँ पर छात्रों के द्वारा जो मांग रखी गई है उस पर बहस होना है और काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, नए छात्र जितने भी हैं आप बेझिझक फॉर्म को सबमिट करेंगे और जो जिला आपको सही लगता है वहाँ से आप बखूबी जांच पड़ताल के बाद जो है वो फॉर्म को सबमिट करेंगे। और मैंने आपको ऐसे मना कर रखा है कि अभी अगर आप चाहें तो फरवरी जो है 4-5 फरवरी तक खुद को रोक सकते हैं फॉर्म भरने से, तो रोक लें क्योंकि एक एनालिसिस जो है मेरे द्वारा दिया जाएगा जिसमें किस डिस्ट्रिक्ट से आपको फॉर्म भरना है वो मैं बखूबी बताऊंगा और इस बेसिस पे बताऊंगा कि प्रीवियस जो है वो वैकेंसी किस ज़िला में कितना था और वहाँ पर कटअप कितना गया और किस तरह की संभावना आने वाली वैकेंसी में है, किस ज़िला में कितने कटअप जाने की संभावना है, उस हिसाब से मैं थोड़ा प्रिडिक्शन करके आपको बताने का प्रयास करूँगा जहाँ से आपको आसानी होगी कि आप फॉर्म को कहाँ सबमिट करेंगे। बाकी 4/2015 वाले विज्ञापन संख्या वाले जितने भी प्रभावित छात्र हैं उस सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, एक बेहतर दिन आपके लिए साबित हो और आपका भी जो है मांग काफ़ी जायज़ है, आपकी लड़ाई काफ़ी जायज़ है, तो एक बेहतर रिजल्ट आएगा तो खुशी सबको होगी। और लगातार मैं आपकी बातों को उठा आ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे खुशी कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे होगा आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी, आपके लिए कुछ बेहतर निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट तरफ से आएगा तो एक खुशनुमा पल जो होगा मेरे लिए भी होगा। बाकी आप देखने की बात है और अपडेट मैं आज शाम तक आपको कर दूंगा कि किस तरह के निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। बाकी नए स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे उनको परेशान नहीं होना है, बैकलॉग की सीट पर जो स्टे लगाने की बात की गई है और इस पर भी बहुत सारी अभी दुविधाएं होती है और मैं एक दो दिन में जो है वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरह से किस स्थिति में आपको स्टे में कुछ दिक्कत नहीं होगा और अगर दिक्कत होगा तो किस स्टेज तक जो है आपको दिक्कत होने की संभावना यहाँ पे है। बाकी इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।